कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए जितेंद्र राणा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव शौलाना लाया जाएगा, जहां हापुर के लाल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जाएगी। हापुड़ का शहीद लाल जितेंद्र राणा आरा रेजिमेंट के अच्छे सिपाहियों में शुमार थे। 2 साल पहले वे सेना में भर्ती हुए थे। शहीद जितेंद्र राणा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हंदवाड़ा पोस्ट पर तैनात थे, जो कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे सेना के क्लीन ऑपरेशन में आतंकियों की गोली के शिकार हो गए। जितेंद्र की शहादत की खबर गांव में मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। खबर मिलने के बाद से शहीद की बहन और माँ का बुरा हाल है और दोनों बेसुध हैं। वो तो अब है ही नहीं, पर बस मैं इतना कह रही हूँ कि मेरे जो बड़ा भाई है वो भी आ जाए, नहीं तो उसके बाद आपके बड़े भाई का भी नंबर ऐसा ही होगा जैसा इसका हुआ है। इसमें बड़ा भाई वहाँ से नौकरी छोड़कर आ जाए। गरीब किसान चरण सिंह के परिजन अपने लाडले को खोने से गमगीन हैं, साथ ही इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि राणा वंश के लाडले सपूत ने दुश्मन का वार छाती पर झेलकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो कल आतंकवादियों ने उनके कैंप पर हमला किया तो पता लगा उसमें जो हमारा जितेंद्र भतीजा था इसको गोली लगी है और वो शहीद हो गया है। अभी उसकी डेड बॉडी यहाँ आई नहीं है, जानकारी मिली है कि अभी कुपवाड़ा में ही सलामी दी जा रही है। और घर का सबसे छोटा बालक था जो कि अभी पिछले 2 वर्षों पहले ही इंटर करने के बाद में ही आर्मी इसने ज्वाइन किया था, और अभी इसकी छोटी सिस्टर है शादी के लिए और माता पिता हैं, गांव में रहते हैं, छोटे किसान हैं। अब उसके जाने के बाद बड़ी दिक्कत है कि अब छोटी बहन की शादी भी होनी है, किस तरीके से होगी, लालन पालन की उसी पर ही ज़्यादातर जिम्मेदारी थी। आपको बता दें कि जितेंद्र की 3 महीने बाद शादी थी, जिसकी तैयारी परिवार के लोग कर रहे थे, लेकिन अब घर में मातम है। तो वही शहीद के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासनिक टीम गांव में पहुंच गई है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, और आज हापुड़ के लाल को अंतिम विदाई दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।